जान घंटा बज चुका है, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया है इंडिया ने। ये अब्बू जी आप क्रिकेट ने ऐसे ही नहीं लग के लगाया हुआ, किंग कोहली ने घंटा बजा के रख दिया। अब्बू विराट कोहली ने आज का फिर मैच जिता दिया। आज उसने बता दिया क्यों उसे वर्ल्ड क्रिकेट का किंग बोला जाता है, क्यों उसे वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू बोला जाता है। आज फिर विराट कोहली ने ये बता दिया किधर गए वो मेरे घंटे के फैन, वो मेरे घंटे के फैन किधर। पहले मरीटा के काम आती थी इंडिया के आगे, अब हर टीम के काम आती है। तो इंडिया बुमराह की बॉलिंग और जडेजा का जो जादू है ये तो वैसे ही बड़ा फेमस है क्रिकेट के अंदर। अगर देखा जाए और भारत की बॉलिंग हो तो जडेजा और बुमराह तो हमेशा मतलब याद रखे जाते हैं। क्या आज पारी के लिए विराट कोहली ने, क्या पारी के लिए आज केएल राहुल ने। एक टाइम पर इंडिया डमक डोल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि इंडिया के लिए इस मैच को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। स्पीक्स तो भाई जान द चेस मास्टर विराट कोहली के 85 रन्स और रायबर राहुल के 97 रन्स की बदौलत इंडिया को जो जीत मिली है, पाकिस्तान में कुछ घंटे के फैंस को मर्चे लग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवा वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा था, लेकिन दोस्तों इस मैच में जिस तरह से आज विराट कोहली और केएल राहुल ने बल्लेबाजी करके दिखाया दोस्तों, इसको देखकर जो पाकिस्तानी मीडिया है पूरी तरह से दीवानी हो चुकी है विराट कोहली की। क्योंकि दोस्तों आज विराट कोहली ने फिर से चेज करते हुए बहुत ही अच्छा पारी खेला। जी हाँ दोस्तों, आज केएल राहुल और विराट कोहली ने जिस तरह से पारी खेला उसको देखकर जो पाकिस्तानी मीडिया है और बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही है विराट कोहली को, और ये बता रही है कि जो क्रिकेट का किंग है वो एक ही है विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आज विराट कोहली ने पारी खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक वक्त ऐसा आ गया था जिस तरह से, क्योंकि भारतीय टीम के आज 3 विकेट गिर गए थे वो भी 0 रन पर, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने जिस तरह से पारी को संभाला है वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है। इसकी वजह से आज भारतीय टीम को जीत भी मिला है, क्योंकि दोस्तों आज भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया भी है और बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही है विराट कोहली की, और ये कह रही है कि क्रिकेट का जो किंग है एक ही है विराट कोहली। दोस्तों आगे और भी देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों देखते हैं आगे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। तो भाई जान घंटा बज चुका है, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया है इंडिया ने। ये अब्बू जी आप क्रिकेट ने ऐसे ही नहीं लग के लगाया हुआ, किंग कोहली ने घंटा बजा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया का। भाई जान ऑस्ट्रेलिया वालों, हाँ भाई घंटा बज चुका है आपका, हाउ मार्च पाकिस्तान का और इसका फाइनल होना है ऑस्ट्रेलिया का। पहले इंडिया से तो जीत के दिखाओ भाई जान, घंटा बजा दिया तुम लोगों का, और भी घंटा का फैंस निकल के आओ, कहाँ छुपे बैठे हो, इंतजार कर रहे थे। 3 बैट्समैन 0 पर आउट होके चले गए, अब इंडिया की हार देखेंगे, मजाक बनाएंगे, शक्ल बनाएंगे, निकलो आओ, कहाँ दफा हुए, कहाँ मरे हुए, बड़ा सोच रहे थे जलीला हुआर करेंगे, निकलो आओ मैदान में, बताओ। ये बता दिया इंडिया ने, तुम लोगों का मुंह पे चपेड़े मार दिए, लितर मार दिए, लाते मार दिए, घूसे मार दिए, बता दिया तुम लोगों को, कान से पकड़ के घसीट के मुंह लगा के तुम लोगों का बता दिया ये क्रिकेट होती है। अब्बू जी ने बता दिया क्रिकेट प्रेशर सिचुएशंस में कैसे खेली जाती है। सामने कोई नेदरलैंड नहीं है, सामने जिम्बाब्वे नहीं है, सामने नेपाल नहीं है, सामने सबसे ज्यादा बार फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब्बू विराट कोहली ने आज का फिर मैच जिता दिया। आज उसने बता दिया क्यों उसे वर्ल्ड क्रिकेट का किंग बोला जाता है, क्यों उसे वर्ल्ड क्रिकेट का अब्बू बोला जाता है। आज फिर विराट कोहली ने ये बता दिया किधर गए वो मेरे घंटे के फैन, वो मेरे घंटे के फैन किधर गए हैं, जो कहते हैं कि विराट कोहली कह रहा खत्म हो चुका है, बाबर आजम कह रहा शुरू हो चुका है, और घंटों आपका अब्बू विराट कोहली आया मैच को खत्म करके चला गया। 2 पे 3 आउट थे इंडिया के, 2 रन पे इंडिया के 3 आउट थे। वहां से जहां लोग अपनी हार मान जाते हैं, विराट कोहली ने वहां से गेम शुरू की और वहां से गेम ऐसी शुरू की, ऐसी फिनिश की कि सबका घंटा बजा दिया विराट कोहली ने। आज सबको बता दिया कि क्रिकेट का एक ही अब्बू है, उसका नाम है विराट कोहली। अब्बू इन मैच विन, 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 और एक ही क्रिकेट का किंग है, उसका नाम है विराट किंग। ये जानते कि चेस कैसे करना है, रियल चेस मास्टर विराट कोहली, रियल चेस मास्टर केएल राहुल, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बहुत खतरनाक चेज मास्टर है, बहुत ही शानदार विन हासिल की है। हाँ, कैचेस विन मैचेस बिल्कुल सही है, उस टाइम पे अगर मिचेल मार्श ने कैच पकड़ा होता तो क्या पता, मैं तब भी कहता हूँ कि इंडिया ने मैच जीत जाना था, लेकिन इंडिया के 6-7 आउट हो जाते, लेकिन तब भी इंडिया ने मैच जीत जाना था, क्योंकि राहुल ऐसा प्लेयर था जो ऐसे मैचेस में जितवा कर जाता। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक राहुल खड़ा है, अगर आपका 200 टारगेट है, 200 है, 180 है, 90 है, राहुल मास्टर है, क्योंकि 2023 में तीसरा मैच है, तीसरा मैच
तकरीबन 200 के पास टारगेट था न्यूजीलैंड, श्रीलंका, अब ये ऑस्ट्रेलिया, राहुल ने चेस करवा के दिए आपको, तो इसमें कोई शक नहीं है नंबर 5 का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी और इस वर्ल्ड कप का भी नंबर 5 का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी केएल राहुल है। देखिए रिजवान भाई जहां क्या आज पारी खेली है विराट कोहली ने, क्या पारी खेली है आज केएल राहुल ने। एक टाइम पर इंडिया डमक डोल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि इंडिया के लिए इस मैच को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन नहीं 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 नहीं, वहां पर मिस्टर डिपेंडेबल यानी के विराट कोहली बैठे हुए थे, विराट कोहली वहां पर मौजूद थे, चेस मास्टर द किंग द रियल कोहली, दोबारा से किंग ने एक बार फिर से अपनी नेशन को खुश कर दिया है, दिल खुश कर दिया दाऊद साहब, ऐसा लग रहा था कि मुश्किल। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो विराट कोहली और केएल राहुल की दीवानी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तानी मीडिया है वो खासकर विराट कोहली की बहुत ही बड़ी फैन है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली जब भी कोई भी बड़े मैच में खेलते हैं तो दोस्तों वो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ करती है। आज फिर से दोस्तों विराट कोहली ने आज भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में जिस तरह से आज पारी की शुरुआत किया है दोस्तों, इसको लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही है विराट कोहली की, और ये बता रही है कि जो क्रिकेट का किंग है वो एक ही है, विराट कोहली। दो लोग बाबर आजम से कंपेयर करते हैं विराट कोहली को, वो कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली किंग है क्रिकेट के। और दोस्तों बाबर आजम नीदरलैंड के खिलाफ भी फ्लॉप रहे थे, लेकिन दोस्तों जब बड़ा कोई भी मैच होता है दोस्तों उसमें विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा रन मारते हैं, लेकिन दोस्तों जो बाबर आजम है वो बड़े मैच में फेल हो जाते हैं। इसको लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है बहुत ही बुरी तरह से बाबर आजम को ट्रोल कर रही है, यही बता रही है कि भारतीय टीम बहुत ही आगे निकल चुकी है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम में विराट कोहली और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज भरे पड़े हैं, क्योंकि दोस्तों आज भारतीय टीम के 3 विकेट गिर गए थे, इसके बावजूद भी विराट कोहली ने भारतीय टीम को एक शानदार जीत हासिल करवा दिया है। इसको लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है और बहुत ज़्यादा भारतीय टीम की दीवानी हो चुकी है और भारतीय टीम की तारीफ कर रही है, क्योंकि दोस्तों आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि दोस्तों आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने आज ऑस्ट्रेलिया को 199 रनों पर ऑल आउट कर दिया है। इसी को लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है वो यही बता रही है कि भारतीय टीम ये है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत मिलेगी। दोस्तों धन्यवाद।